हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एचएम में तीन तरह से क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया जीएम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एएम इनटू एचएम। जीएम जो होता है एएम एचएम का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, दूसरा एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू HM, या ऐसे ही बोल सकता है AM greater than GM greater than HM। और तीसरा क्वेश्चन होगा GM और HM और AM तीन में से दो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, हम लोग को तीसरा वैल्यू निकालने के लिए बोला रहेगा, उस केस में हम लोग ये रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करेंगे। और साथ ही GM HM AM तीन में से दो दिया रहेगा, और जो दो नंबर है जिसका GM और HM क्वेश्चन में दिया हो उन दोनों नंबर को फाइंड करने के लिए बोला रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके इन सबका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जीएम इक्वल टू एम इंटू एचएम का एम इंटू एचएम का स्क्वायर रूट, ये हम लोग का जीएम होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जीएम इक्वल टू एम इंटू एचएम का स्क्वायर रूट। ठीक है, जीएम जो होता है एम और एचएम का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। अब लेट द टू ऑब्जर्वेशन बी एक्स एंड वाई, दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई, इन दोनों नंबर का एम, एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, मीन कैसे निकालते हैं, सम करेंगे, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है सम डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पे एन कितना हो गया, टू हो गया, तो एम का वैल्यू ये आया। अगर एच एम निकालेंगे तो एच एम का फॉर्मूला होता है एन मतलब टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल करके सम कर देना है, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई, तो यहाँ वैल्यू होगा टू डिवाइडेड बाई इन दोनों का हम लोग का एलसीएम आ गया एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हम लोग का एच एम निकल गया, दो नंबर का एम और एच एम। ठीक है, अगर इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करें, नाउ एम और एच एम जो हम लोग का यहाँ पे निकला है, अगर उसका प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, ये तो एम हो गया। ठीक है, और एच एम आया है इन टू टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, अब टू से टू तो कैंसल हो गया, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई ये कैंसल, तो एम एम टू एच एम हम लोग के पास क्या बचता है, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट हम लोग देते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, एम इन टू एच एम दोनों का प्रोडक्ट का रूट इक्वल टू क्या, रूट ओवर एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल वैल्यू आया, और रूट ओवर एक्स वाई है, ये है क्या, दो नंबर हम लोग का है, दोनों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट का रूट ही जीएम होता है, तो इसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीएम बोल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर फाइनली आंसर आएगा जीएम इक्वल टू एम इंटू एचएम का प्रोडक्ट का रूट। ठीक है, ये तो है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ठीक है, एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम भी पूछ सकता है, और एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम भी पूछ सकता है। ठीक है, एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम कब होता है, जब जितना भी ऑब्जर्वेशन हो सब का सब आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, अगर टू और टू सेम नंबर का या टू ऐसे दिया हुआ, इसका एम निकालोगे जीएम निकालोगे एचएम निकालोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ कैसे करेंगे, वी नो दैट That for any two numbers, दुनिया का कोई भी दो नंबर से लेते हैं हम लोग यहाँ पे x and y, दुनिया का कोई भी दो नंबर लिया जाए, दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर किया जाए, तो जो वैल्यू हाथ में बचेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। कोई भी नंबर, दो नंबर लिए डिफरेंस किए स्क्वायर किए, तो हम लोग हाथ में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर हम लोग क्या है, एक्स एंड वाई है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करके स्क्वायर करता हूँ, हम लोग हाथ में क्या बचेगा,
ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे रूट करके, रूट करके क्यों, क्योंकि जी एम जो होता है हम लोग का रूट में आता है, इसलिए दोनों नंबर का रूट किए, डिफरेंस निकाल के स्क्वायर किए, तो हम लोग के हाथ में जो वैल्यू बचेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो आएगा या जीरो से ज़्यादा। अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर वाई का स्क्वायर, वाई बचेगा, माइनस टू ए बी, टू इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई, टू इंटू रूट ओवर एक्स वाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू, इक्वल टू कितना, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया हम लोग का, जीरो आया, ठीक है। अब इसको एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका साइड चेंज किया था टू रूट ओवर एक्स वाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ माइनस था साइड चेंज हो गया, क्या हो गया हम लोग का, प्लस हो गया, ठीक है। अब दो ये जो इक्वेशन हम लोग का बना है इसको डिवाइडेड बाई टू करेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, टू से डिवाइड किया तो टू से कैंसिल रूट ओवर एक्स वाई, ये हम लोग के हाथ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो वैल्यू है, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था दो ऑब्जर्वेशन है उसका सम करके डिवाइड करो तो हाथ में क्या बचता है, मीन बचता है, तो इसको हम लोग एम लिख सकते हैं, और ये दो नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट वो हम लोग के लिए क्या होता है, जी एम होता है, ठीक है, इसको हम लोग जी एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का पहला पार्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगेन हम लोग का ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम भी लाना, अब एच एम लाने के लिए सेम वही दो नंबर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका पहले इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, फ्रैक्शन में क्यों, क्योंकि एच एम जो होता है हम लोग का फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, और उसको रूट करेंगे, दो नंबर है उसको रेसिप्रोकल या फ्रैक्शन में लेगा रूट के डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करके स्क्वायर करोगे तो कोई भी वैल्यू आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, सेम वही रूल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो वन बाई रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आता है, ठीक है। अब उसको फॉर्मूला के साथ तोड़ते हैं, इसका है वन बाई एक्स, इसका है वन बाई वाई माइनस टू इंटू एक्स, वन बाई रूट एक्स इंटू वन बाई रूट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स वाई, ये हुआ इन सबका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर साइड चेंज करेंगे तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई ग्रेटर इक्वल टू, इधर माइनस आगे इधर क्या हो जाएगा, प्लस टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स वाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा रूट ओवर एक्स वाई टू, और ये नीचे आ गया इंटू डिवाइड में चला गया, ठीक है, ये आएगा वैल्यू, इसको हम लोग जैसे यहाँ जी एम बोल सकते हैं, सेम वैल्यू आ गया, ये हमारा जी एम हो गया। और एच एम क्या हो गया, जैसे एच एम क्या होता है यहाँ पे एन डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल का सम, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया उसका रेसिप्रोकल का सम इसी फॉर्मेट में आया, तो इसको हम लोग एच एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी एम ग्रेटर देन एच एम निकल गया, और यहाँ पे क्या निकला था, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम निकल गया, देयर फोर हम लोग ऐसे लिख सकते ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइप टू। अब आता है टाइप थ्री पे, टाइप थ्री हो गया एम जी एम ऑफ टू नंबर आर टेन एंड एट रेस्पेक्टिवली, ए एम और जी एम दिया हुआ, फाइंड एच एम, हम लोग एच एम निकालना है एंड टू नंबर्स, ठीक है, एच एम निकालना है और वो दो नंबर जिसका ए एम जी एम यहाँ पे दिया हुआ, तो सबसे पहले तो एच एम निकालते हैं, तीनों का रिलेशनशिप फॉर्मूला है जी एम इक्वल टू ए एम इंटू एच एम, दोनों का प्रोडक्ट का होल रूट, ठीक है। तो जी एम तो हम लोग को मालूम है ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर आर टेन एंड एट रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ ए एम टेन हो गया, जी एम कितना हो गया एट हो गया, जी एम यहाँ एट दिया हुआ, ए एम है टेन, एच एम ये हम लोग को पता करना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर आ जाएगा हम लोग का 64 स्क्वायर रूट कैंसल 10 इंटू एच एम, ये हो गया हम लोग का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब एच एम इक्वल टू होगा 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6.4, ये तो हम लोग का एच एम निकल गया। इसके बाद क्या पूछा है, जिन दो नंबर का ए एम जी एम यहाँ पे दिया हुआ वो दो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो नंबर निकालने के लिए लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि जो दो नंबर जिसका ए एम जी एम दिया हुआ है वो एक्स एंड वाई है, ठीक है।
तो पहले एम इक्वल टू होता है जितना भी नंबर है उन सबका सम डिवाइडेड बाई एन, ये होता है एम का फॉर्मूला। एम क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नंबर का 10, दो नंबर हम लोग कौन सा लिए x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई एन कितना हो गया 2, 2 ऑब्जर्वेशन, इसलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 आएगा, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। और जीएम, जीएम इक्वल टू होता है जितना भी नंबर है क्वेश्चन में दो ऑब्जर्वेशन दे दोनों का प्रोडक्ट का एंथ रूट, मतलब स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई, ठीक है, जितना भी नंबर उन सबका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अब जीएम हम लोग को मालूम है जीएम कितना है 8 है, 8 एक्स वाई का होल रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो गया 64 डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन मिले x प्लस वाई इक्वल टू 20, x इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई वाई, हम लोग को निकालना क्या x एंड y के वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, यहाँ पे वैल्यू पुट करते थे x प्लस वाई इक्वल 20 दिया, x का वैल्यू हो गया 64 डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पे हो गया वाई 64 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर टू 20y, ठीक है, साइड चेंज किया वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64, ये हो गया हम लोग का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइज करके y के वैल्यू निकालना है। अब मिडिल टर्म फैक्टराइज होता है कैसे है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसका सम लास्ट का जो नंबर है ये इसका जो साइन होगा, दो नंबर का सम मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, सम करने से मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, और उन दोनों नंबर को इंटू करने से ए सी पहला और तीसरा नंबर का प्रोडक्ट का इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा दो नंबर, तो यहाँ पे दो नंबर होगा 16 और 4, इन दोनों का सम करोगे तो 20 आ जाएगा, इंटू करोगे तो ए यहाँ पे तो वन साइलेंट है और 64 दोनों का प्रोडक्ट 64 हुआ, इंटू करोगे तो कितना आएगा 64, तो यहाँ पे 20 प्लस 20y का मतलब हो गया 16 प्लस 4y 64, इस प्रोसेस को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले इसमें से y माइनस 16 और इसमें से 4 कॉमन आ गया y माइनस 16, तो यहाँ y माइनस 16 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देयरफॉर y इक्वल टू या तो 16 होगा या y का वैल्यू होगा 4, ये y का दो वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, x का दो वैल्यू निकालना, और x का दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब y का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 यहाँ, ठीक है, तो y का दो वैल्यू दो बार पुट होगा, इधर x इक्वल टू होगा 64 बाई वाई, वाई का पहला वैल्यू 16, और x इक्वल टू होगा 64 बाई वाई, वाई का दूसरा वैल्यू 4, तो x का दो वैल्यू आया 4 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 16, ठीक है। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एम जी एम एच एम का, तीन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको जरूर करके जाना, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।